हाय, सो मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है और वेलकम है दीपक त्रिपाठी एचआर चैनल पर। मैंने बहुत सारे कोरा में क्वेश्चन जवाब दिए हैं, 400+ क्वेश्चंस के जवाब वहां मैं दे चुका हूं और आप उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आज मैं एक और कोरा का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कोरा के अंदर मुझे एक सवाल पूछा गया था कि एचआर जो होते हैं कंपनी के, वो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली एचआर जो है वो कई बार बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। जो भी बड़ी कंपनी होती है, मिड साइज़ और मिड साइज़ से बड़ी कंपनी होती है, मोस्टली उनके एचआर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर करते हैं। अगर कोई स्मॉल लेवल की कंपनी है, 5 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 15, 20, 25 एम्प्लॉयज़ है, तो कई बार ये वेरिफिकेशन रह जाता है, मतलब वो उनके पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी 50+ एम्प्लॉयज़ के साथ काम करे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर थोड़े अवेयर होते हैं। एचआर वो कोशिश करते हैं कि कंपनी में जा करके, उनकी एक्स कंपनी में जा कर जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाए, राइट? सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूर किया जाता है। इसे इसमें जनरली होता क्या है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कुछ क्वेश्चन का। आपका ज्वाइनिंग डेट, रिलीविंग डेट, आपका जो नोटिस पीरियड है आपने अच्छी तरीके से सर्व किया, आपकी पेंडिंग लाइबिलिटीज़ कुछ तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आपकी सैलरी जो है वो लास्ट कितनी सैलरी आप ड्रॉ कर रहे थे, आपका डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वेरीफाई की जाती है। दो तरीके से किया जाता है वेरीफाई। आपके जो नई कंपनी है उसके जो एचआर हैं वो पुरानी कंपनी के एचआर को कांटेक्ट करके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी डिटेल्स वेरीफाई करते हैं, या फिर प्लस एडिशन टू एचआर वो आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइज़र, आपके कलीग, जिनका भी आपने रेफरेंस दिया है उनको कांटेक्ट करके चेकआउट करते हैं कि आपका कंडक्ट कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, आप टीम में अच्छी तरीके से काम करते थे कि नहीं करते, डेडलाइन मीटअप करते थे कि नहीं करते, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं। डेफिनेटली इधर मैक्सिमम टाइम जो सुपरवाइज़र होते हैं, कलीग होते हैं, पॉजिटिव ही आउटपुट देते हैं, पॉजिटिव ही रेस्पॉन्ड करते हैं। फिर भी एचआर एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ये काम करते हैं। मेन जो वेरिफिकेशन इसमें होता है वो एचआर के द्वारा होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते जनरली कैंडिडेट। वो एचआर जो है एक राइट जो एचआर होगा आपके लास्ट कंपनी का, जो एचआर ने जो भी फीडबैक दिया है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वॉट एवर दे से द न्यू कंपनी विल एक्सेप्ट इट। तो क्या होता है, अगर कुछ भी गलत किया होता है कंपनी में, उसने लास्ट कंपनी में, तो वो एचआर उनको बता देता है कि भाई ये लास्ट वर्किंग डे कंप्लीट करके नहीं गए थे, या उनकी पेंडिंग लाइबिलिटीज़ है, या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बाकी, या कुछ ना कुछ ऐसा पेंडिंग है। तो क्या होगा कि नई कंपनी या तो उनको हायर नहीं करेगी, या बोलेगी कि आप वो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करके आइए फिर ही ज्वाइन कीजिए, या लास्ट वर्किंग डे इधर उधर, या कोई ऐसी चीज़ है मिसलीडिंग डिटेल दिए। कई बार कैंडिडेट रॉन्ग सैलरी स्लिप जनरेट करके दे देते हैं, या अपनी तरीके से बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में चेक करती है। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपकी जो नई कंपनी है खुद वहाँ पे उनके एचआर को कांटेक्ट करके ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सकती है। अदरवाइज इसमें प्रोफेशनल एजेंसी की भी हेल्प करते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जो ये प्रोफेशनली इसको कंडक्ट करती है और ऑन टाइम दे डिलीवर द रिपोर्ट, राइट? जिससे वो जो एचआर होते हैं वो, जैसे बहुत सारी हायरिंग चल रही है किसी कंपनी में, महीने में 10-10, 15-15 लोग हायर हो रहे हैं, तो एचआर के लिए बहुत ही लाइक एक ट्रबल सम प्रोसेस होते हैं, मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है एचआर के साथ फॉलो अप करना, और उसके साथ फॉलो अप करके डिटेल्स निकलवाना। तो वो लोग थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर कर लेते हैं, वो एजेंसी जो है जा करके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, ठीक है? अगर आप में से कोई ऐसे देख रहे हैं इस वीडियो को जो एम्प्लॉयर हैं, फाउंडर हैं, और वो चाहते हैं कि कोई एजेंसी के थ्रू अपनी अपने कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की सर्विसेज चालू करना, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा लाइक ईमेल आईडी में या फिर शेयर कर दूंगा, या मैं कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा, या मेरे यूट्यूब चैनल से ईमेल आईडी आप कंडक्ट करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें मैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको हेल्प कर सकूँगा, ठीक है? मेरे लाइक पार्टनर के थ्रू, ठीक है? सो वो एक सर्विसेज हमने चालू करी है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में हेल्प कर सकती है कंपनीज़ को, अगर आपको खुद से ना करके प्रोफेशनल एजेंसी के थ्रू करवाना, और इट वुड बी विद टैट, ओके? सो आपको जो टाइम दिया होगा उसी टाइम लिमिट में आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक करके बता दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे वेरिफिकेशन उसमें अवेलेबल हैं, ये एक
बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वन ऑफ द सर्विसेज। ओके, सो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, सजेशन है, कोई इनपुट है, कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है, 16 सालों से मैं एचआर इंडस्ट्री में हूँ और मैंने अभी हाल ही में अपना प्रोफाइल अनस्टॉप में बनाया है। तो अनस्टॉप में मैंने प्रोफाइल बनाते ही 10 से ज़्यादा मैंने वन ऑन वन सेशन कर लिए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ और वहाँ पे मेरे को कैंडिडेट्स ने रेट जो किया है वो अभी एज ऑफ नाउ जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं 4.9 एवरेज रेटिंग है मेरा आउट ऑफ 5। सो इट्स टोटली गुड रेटिंग अकॉर्डिंग टू मी एंड आई एम कमिंग इन टॉप मेंटर्स इन अपमोस्ट। ओके, अनस्टॉप, सॉरी, अनस्टॉप के अंदर मैं टॉप मेंटर की लिस्ट में हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल कैंडिडेट्स। थैंक यू।